7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई लड़ाई अभी भी जारी है। यहाँ से महिलाओं और बच्चों के साथ दिल दहला देने वाली घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। आतंकी संगठन हमास के हमले ने जहां दुनिया में तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका समेत कई देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमलों को बेहद क्रूर बताया। राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में यहूदी नेताओं की राउंड टेबल बैठक को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने बुधवार सुबह फिर से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल को कोई भी कार्रवाई युद्ध के नियमों के अनुसार करनी चाहिए। बाइडेन ने आगे कहा, मेरा मानना है कि इजरायली सरकार देश को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ सब कुछ कर रही है और अमेरिका भी इजरायल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी ताकत से मदद कर रहा है। मैं मानता हूँ कि यहूदी नरसंहार यानी होलोकॉस्ट के बाद यह यहूदियों के लिए सबसे घातक युद्ध है। चलिए अब जानते हैं क्या था होलोकॉस्ट जिसकी बात बाइडेन ने की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने लगभग 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी थी। इसी नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट को समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास बताया जाता है। दरअसल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP को नाजी कहा जाता है। नाजी पार्टी जर्मनी में एक राजनीतिक पार्टी थी जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई। यह पार्टी 1920 के बाद दशक में बहुत लोकप्रिय हुई क्योंकि उस समय जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। बता दें कि जर्मनी युद्ध हार गया था और विजेताओं को बहुत सारे पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था और अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर में थी। जर्मनी के अधिकतर लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। उस समय लोग बदलाव की आशा के कारण नाजी पार्टी की तरफ अग्रसर हुए। नाजी नस्लवादी थे और उनका मानना था कि जर्मन पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। ये यहूदियों के घोर विरोधी थे जिसका असर इनकी सभी नीतियों और कार्यों पर पड़ा। बता दें कि 1921 में इस पार्टी का नियंत्रण हिटलर के हाथ में गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और लगभग 20 लाख पोलिश यहूदियों को हिंसा और जबरन श्रम का शिकार बनाया। कब्जे से पहले महीनों में हजारों यहूदियों की हत्या कर दी गई। कब्जे के कुछ ही समय बाद पोलिश यहूदियों को एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया गया था जिन्हें यहूदी बस्ती कहा जाने लगा। 1941 में यूरोप के यहूदियों की साजिशन हत्या शुरू हुई। नाजियों ने इसे यहूदी समस्या का फाइनल सॉल्यूशन नाम दिया। हिटलर और उसकी नाजी सत्ता ने यहूदी लोगों की हत्या करवाने के लिए इंसग्रुप नामक मौत का दस्ता बनाया। इस दस्ते ने पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में गोलीबारी करके यहूदियों को मार डाला। 1941 के अंत तक पोलैंड में पहला मृत्यु शिविर चेल्मो स्थापित हो चुका था जिसे नाजियों ने 1941 और 1945 के बीच बड़े पैमाने पर हत्याएं जारी रखने का एक ठिकाना बना दिया। हिटलर यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने फाइनल सॉल्यूशन को पूरी ताकत के साथ अमल पर लगा रहा था। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूसते थे, उनसे काम करवाते थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए जिनमें ऑस्विट्स सबसे कुख्यात था। पोलैंड ऑस्विट्स हिटलर की हैवानियत और नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा नजरबंदी शिविर था। नाजी खुफिया एजेंसी SS यहां पर यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़ कर ले आते थे और उनमें से कई लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें काम करने के लिए जिंदा रखा जाता था, उनकी पहचान मिटा दी जाती थी। कैदियों की बाह में एक नंबर गोद दिया जाता था और उसके बाद से कोई भी अपना नाम नहीं ले सकता था। कैदियों की पहचान सिर्फ नंबरों से होती थी। बंदी बनाए गए यहूदी लोगों को मरने तक यातनाएं दी जाती थी। उनके सिर के बाल तार लिए जाते थे, कपड़ों की जगह चीदरे पहना दिए जाते थे। इसके बाद उन्हें बस जिंदा रखने के लिए जरूरी खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें तब तक यातना दी जाती थी जब तक वे निष्क्रिय नहीं हो जाते थे। जो ज्यादा कमजोर हो जाते थे, जिनसे काम नहीं लिया जा सकता, उन्हें बारी बारी से गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता।
हिटलर के कैदी बाहर से आने वाले दूसरे यहूदी नजरबंदियों के लिए इमारतें बनाते हैं। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के समय जब सेवायत संघ की सेनाओं ने ऑशविट्ज पर कब्जा किया तब जाकर ये सिलसिला खत्म हुआ। उस समय भी इस कैंप में 7000 कैदी थे। हालांकि सोवियत सेना के हमले से पहले ही हार का अंदेशा देख नरसंहार से जुड़े कई सबूतों को नाजियों ने मिटा दिया। नरसंहार के अंत तक यहूदी बस्ती सामूहिक गोलीबारी एकांत शिविरों और मृत्यु शिविरों में 60 लाख यहूदी पुरुषों महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।